साथियों नमस्कार, इन्फॉर्मेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी 2024 को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिन विद्यार्थियों के फॉर्म में गलती हो गई थी, यानी कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और DOB के अलावा अगर कोई गलती थी, तो इसको करेक्शन करने के लिए तो पहले से ही लिंक जारी किया गया था और कम से दो बार इसमें करेक्शन कर दिए गए थे, लेकिन नेम और फादर्स नेम के अंदर करेक्शन है वो नहीं हुआ था। तो इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। तो आप लोग देखिए, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 528 दिनांक 23/6/2024 के क्रम में आवेदन के आवेदक का जो नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, में लघु संशोधन किया जा सकता है, और वो भी आपके मूल दस्तावेज जो है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एवं अन्य जो मान्य सरकारी दस्तावेजों के आधार पर मान्य होंगे। उक्त नामों में पूर्ण रूप से परिवर्तन मान्य नहीं होंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर में यदि आपके केवल फोटो अपलोड हो गए दोनों जगह या फिर दोनों जगह ही आपके सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में मान्य होंगे। और इस प्रकार की त्रुटि का जो सुधार का PTT कंट्रोल रूम द्वारा अंतिम सत्यापन के बाद ही मान्य किया जाएगा। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं तो इनका PTT कंट्रोल रूम से सत्यापन होगा और उसके बाद ही मान्य होगा। उक्त परिवर्तन की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर आपकी 29/6/2024 रखी गई है, यानी कि आपके पास भी एक दिन अभी शेष बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक लिंक भी जारी किया गया है PTT 2 ईयर और 4 ईयर के लिए। तो इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद में आप अपने नाम, पिता का नाम और माता का नाम फोटो सिग्नेचर के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको अन्य कोई करेक्शन करना है तो ऊपर करेक्शन पैनल दिया गया है, उसके ऊपर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पर रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अभी आपके फॉर्म भी रिप्रिंट हो रहे हैं, तो जिनके पास में फॉर्म प्रिंट नहीं है वो एप्लीकेशन फॉर्म को रिप्रिंट ज़रूर कर लें, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों आज का ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। PTT की जो भी अपडेट्स रहेगी उसका नोटिफिकेशन मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि PTT की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।